वो आ गया, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आप अंदर जाइए, अंदर जाइए ना, जाइए। हे शुरू जाओ चलो चलो। जनता तो चिल्लाती रहेगी। वो क्या है ना कि जनता अपनी खुशी का इजहार कुछ इसी तरह से चिल्ला चिल्ला के करती है। वैसे आपसे बात करने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। अगर आपके साथ उनकी डील पक्की हो गई तो सब लोग चांदी ही चांदी। तुम्हारी पोस्ट क्या है? एमपी। एमपी की ड्यूटी क्या होती है? जनता की सेवा। तो फिर तल्ले क्यों बने हुए हो? ये तो मार रहे हैं। वो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मार खानी ही पड़ेगी। सुना है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या बात थी बताइए। तुमने एमपी पे हाथ क्यों उठाया? उन्हें क्या अपने घर का नौकर समझ रखा है? He is leader. बिन पैंदे के लोटे। पॉइंट पर आ। तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। ना लूंगा ना दूंगा। नेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। उतना वक्त नहीं है मेरे पास और तुम्हें जानना मेरे लिए जरूरी नहीं। नेक्स्ट। रिस्क उठाने से डरते हो क्या? डरता हूँ और मैं बचपन से ही अपना रास्ता खुद तय करता आया हूँ। एक बार मैं ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दौड़ पड़ा। ट्रेन तेजी से आ रही थी, उसमें भारी भीड़ थी। 10 इंच की दूरी पर आकर ट्रेन रुक गई। इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क और क्या। यही हादसा मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। एक बार तुम ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दौड़ पड़े। ट्रेन तेजी से आ रही थी, ट्रेन में भारी भीड़ थी। 10 इंच की दूरी पर आकर वो रुक गई। इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क कहूंगा और क्या। जो ट्रेन तुम्हारे सामने है वो कौन है जानते हो? मैं हूँ। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ। अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। मेरी पावर क्या है ये जाने बिना तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? पावर तेरा? तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। तू है लॉटरी, मैं हूँ हिस्ट्री। तुम्हारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री के आगे दो कौड़ी की भी नहीं है। अगर मैंने एक स्विच भी दबा दिया ना तो हवा के झोंके की तरह उड़ जाओगे। अपने दिल की तसल्ली के लिए जरा अपने उस फैन का स्विच ऑन करके देख ले। तू मुझे गायब करने की बात कर रहा है, मेरा बाल तक नहीं हिलेगा। लेकिन अगर मैंने दहाड़ लगाई तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा। मुझमें ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। आजमा के देख, मेरे एक इशारे पर तेरे ही पालतू सड़क पर तेरा मजाक उड़ाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। I'll take it as a challenge। उसी राज्य में जिस राज्य में मैं अभी हूँ, उसी कुर्सी पर बैठकर जिस कुर्सी पर अभी बैठा हूँ, जितेंद्र को तुम्हारी जगह बिठा कर ही दम लूंगा। पूरी ताकत लगा दे, असेंबली के गेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तू बीपी का मरीज है, ज्यादा चिल्ला मत, हार्ट फेल हो जाएगा। मेरा बीपी हाई होगा तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। ये सब क्या है? ए, इसको ये क्या चल रहा है? हाँ? क्या लगा रखा है? ए, तुम्हारा क्या जाता है? हमारी बेटी है, उसके साथ जो चाहे करेंगे। तुम कौन हो बोलने वाले? लड़की को जन्म से पहले ही मार देना कौन सी बड़ी बात है? लड़की कल हम पर बोझ बनेगी, तुम्हारा क्या जाएगा? गांव की इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया तो वो गलत नहीं है, धर्म है ये धर्म। एक लड़की एक माँ की कोख में पल रही है, उसे मारने वाले का सपोर्ट करना बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए पीटा इसे। आंसू पोंछने के लिए माँ चाहिए, बच्चे पैदा करने के लिए बीवी चाहिए, राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए, घूमने फिरने के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए। लेकिन बारी जब बेटी की आती है तो नहीं चाहिए। क्यों? ये तेरा हिमायती है ना? बुरे वक्त में ये साथ नहीं देगा, साथ देगी तेरी बेटी। ऐसा पाप करने के लिए ईश्वर भी माफ नहीं करेगा तुझे। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे घर में सिर्फ बेटियां हों। घर में बेटी पैदा होती है तो लॉस का कैलकुलेशन, बेटे के लिए प्रॉफिट का कैलकुलेशन, अपनी गलतियों का कैलकुलेशन कोई नहीं करता। छी, ब्लडी हिपोक्रेट्स।
लड़कियों को हवस का सामान और घर की नौकरानी नहीं समझना चाहिए, उसे तो घर की देवी समझना चाहिए। बिना स्त्री के ये संसार नहीं चलता, बिना स्त्री के कोई जन्म नहीं ले सकता, बिना स्त्री के जिंदगी नहीं चलती, बिना स्त्री के उद्धार नहीं होता। बिना स्त्री के ये संसार नहीं चलता, बिना स्त्री के कोई जन्म नहीं ले सकता, बिना स्त्री के जिंदगी नहीं चलती, बिना स्त्री के उद्धार नहीं होता। इसलिए किसी भी मर्द को औरत जात पर जुल्म नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I will show him the hell. क्या हुआ? बेल करवाने की सारी कोशिश नाकाम हो गई, सबने हाथ उठा लिए। अब जेल से बाहर आने का इंतजाम आपको ही करना होगा। एमपी ने भी मना कर दिया, वो भी बदल गया। मुझे मोहरा बनाकर वो खुद दिल्ली चला गया। तो फिर तुमने क्या सोचा है? हमें बदला लेना है। देखो भाई, कितना भी महंगा हो चलेगा, लेकिन चीज प्यारी होनी चाहिए ताकि पहन कर ये खूबसूरत लगे। बड़े दिनों बाद शॉपिंग पे निकली है। कहा था बेल नहीं हो पाएगा, जितेंद्र का बेल हो गया है, बाहर आ गया है वो। एपी के एमपी को खबर कर दो कि घर आ गया हूँ। सर, आपका बेल करवाने वाला